हेलो गाइस, आ चुका हूँ वापस एक और वीडियो में वापस। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पैम कॉल से कैसे बचें। जी हाँ, अभी आपको पता होगा दिन भर में आपको 2, 4, 6 और कभी कभी तो मतलब 10 से 12 कॉल भी स्पैम कॉल आ जाती है। अभी मार्केटिंग कॉल यानी कि आपको मतलब ये लोन ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, इंश्योरेंस ले लो, क्रेडिट कार्ड लो, मतलब दिन भर में आपके पास इतने सारे कॉल आते हैं स्पैम कॉल्स के, आप परेशान हो जाते हैं। तो इस चीज़ से छुटकारा कैसे पाया जाए, तो इस वीडियो में आपको इसी छुटकारा के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप मार्केटिंग कॉल से आने वाले कॉल्स को रोक सकते हैं। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। गाइस, आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे फिल्टर वाले स्पैम एप्लीकेशन आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रू कॉलर आता है। ट्रू कॉलर अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं, आपको ट्रू कॉलर रोकता है उस चीज़ से, यानी कि स्पैम कॉल अगर आपके आते हैं बहुत सारे, तो आपको स्पैम कॉल रोकने के लिए आप अगर आप स्पैम कॉल को रोकना चाहते हैं तो चाहे तो आप यहाँ पे ट्रू कॉलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक और चीज़ इस्तेमाल करने को मिलता है, यानी कि गूगल डायलर। अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो आपको गूगल डायलर भी मिल जाता है, बहुत ही अच्छा चीज़ है। अगर आपने गूगल डायलर इस्तेमाल नहीं किया है, हालांकि अभी जो नए फ़ोन आ रहे हैं उनमें ऑलरेडी गूगल डायलर वहाँ पे कंटिन्यू यानी कि वहाँ पे हार्डवेयर ऐसे ही आ रहा है, यानी कि उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है डायरेक्टली, वो सॉफ्टवेयर बेस्ड नहीं है, हार्डवेयर बेस्ड है। तो आपको किसी भी तरह का अदर एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका नया फ़ोन है तो। लेकिन अगर आपके पास पुराने फ़ोन हैं तो उसमें आपको गूगल डायलर डाउनलोड कर लेना है या फिर ट्रू कॉलर डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको स्पैम कॉल रोकने के लिए वहाँ पे एक फ़िल्टर का आपको ऑप्शन मिलता है सेटिंग में जाके, स्पैम कॉल फिल्टर, उसको आपको वहाँ पे अप्लाई कर देना है। इसके बाद आपके जो भी मार्केटिंग कॉल होते हैं वो रुक जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं जो भी मार्केटिंग वाले कॉल आते हैं वहाँ पे वो भी कॉल भी रुक जाएंगे, यानी कि अगर फ्लिपकार्ट वाला जो कॉल करता है वो भी मार्केटिंग का ही नंबर होता है, तो उस टाइम पे होगा क्या, आप कॉल तो करेगा आपको लेकिन वो कॉल नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि आप ऑलरेडी आपने फिल्टर कॉल लगा दिया है। अब बात करते हैं कि इन लोगों के पास हमारा नंबर ज़्यादा कैसे है। तो जैसा आपको पता होगा, जैसे आप कहीं पर भी कोई फिल करते हैं एप्लीकेशन, किसी वेबसाइट पर, किसी एप्लीकेशन पर, किसी भी चीज़ के लिए, या फिर उस बंदे को ऐसा पता चल जाता है कि मतलब इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, तो आपका नंबर जो है मार्केटिंग के लिए आगे सेल कर देते हैं। जी हाँ, अगर आप किसी थर्ड पार्टी किसी वेबसाइट पर अपना नंबर डाल देते हैं पर्सनल, तो आप बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। और अपना अगर ईमेल आईडी ओरिजिनल डालते हैं तो भी आप बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। इसके लिए आपको अगर आपको ऐसा करना है तो एक नया नंबर ले लें, ऐसा थर्ड पार्टी वाला नंबर, और एक ऐसे ही अलतू फलतू ईमेल आईडी बना लें, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। या कि मार्केटिंग जो ईमेल आते हैं और कॉल्स आते हैं इससे आप बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे लेटेस्ट ट्रिक, यानी कि ये बहुत ही सरल है। आपको करना क्या है, सिंपली आपके पास जो भी कंपनी का सिम कार्ड है, फॉर एग्जांपल आइडिया का सिम कार्ड है, तो आपके आइडिया कस्टमर केयर में कॉल करनी है। वहाँ पे आपको बोलना है सर मेरा DND कॉल एक्टिवेट कर देना है, और जिस भी कंपनी का सिम कार्ड है उसका कस्टमर को कॉल करना है। इसके बाद आपको अगर आप नहीं आता है तो आपको ऑनलाइन कैसे करना है, ऑनलाइन करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, अगर आपके पास माई जियो एप्लीकेशन डाउनलोड है तो वहाँ पे अगर आप सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा DND सर्विस एक्टिवेट करने का। अगर आपके पास आइडिया का सिम कार्ड है तो भी आपको वहाँ पे DND सर्विस एक्टिव करने का आता है, यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब सेवा अगर आप एक्टिवेट कर देंगे तो जो भी आपसे आपके पास मार्केटिंग कॉल आते हैं तो वो रुक जाएगी, फिल्टर हो जाएगी, आपके पास कोई भी आलतू फालतू कॉल्स नहीं आ पाएगी। जी हाँ, आपको ध्यान रखना, ये चीज़ों को अप्लाई जरूर करना है। हालांकि मैंने एयरटेल की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने एयरटेल में ट्राई नहीं किया है कि एयरटेल पे ऐसा DND सर्विस एक्टिवेट करने का आता है कि नहीं आता है, बट कॉल का ऑप्शन वहाँ पर मिलता है, अगर आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं। बट आइडिया में और आइडिया वोडाफोन जो है और जियो में मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन में उनके देखा है ये सर्विस अवेलेबल है। अगर आपने नहीं किया है तो इन चीज़ को जरूर अप्लाई करें, स्पैम कॉल से आप छुटकारा पा सकते हैं। मेरे पास खुद कम से कम 4 से 6 कॉल इनकमिंग जो है स्पैम कॉल आते हैं, बट अभी मैं क्या है ऑनलाइन जो है मेरा कुरियर आता है, इसकी वजह से मैं अपना जो है उस DND सर्विस को एक्टिवेट नहीं करता, यानी कि स्पैम कॉल फिल्टर अप्लाई नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डिलीवरी बॉय के कॉल आते हैं, इसकी वजह से मैं नहीं करता हूँ। तो आपको इस चीज़ को जरूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, आपको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आई होप दोस्तों मैंने इस वीडियो में जो आपको समझाया है समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर लिया सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।